नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई, जैसा कि आप सभी देखते आ रहे होंगे, लॉन्च होने से पहले कई सारे टेस्टिंग व्हीकल्स के एक्सीडेंट्स सामने आ जाते हैं। पिछले कुछ सालों की बात कर लें तो महिंद्रा थार XUV 700 स्कॉर्पियो N और स्कॉर्पियो क्लासिक को लेकर काफी टेस्टिंग व्हीकल्स के एक्सीडेंट हुए हैं। और अभी रिसेंट में ही आपने ह्यूंडई वर्ना का दो एक्सीडेंट ऐसा ही देखा होगा। एक टेस्ट करते समय बस से हुआ था और एक लॉन्च के दिन बुलेट से हो गया था। हालांकि वैसे तो ये नॉर्मल है, कंपनी के ड्राइवर्स इन गाड़ियों को चलाते हैं और उनसे भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं या सामने वाले भी गलतियां कर देते हैं। और आज मैं आपको ऐसा ही एक एक्सीडेंट दिखाने वाला हूं जो दिल्ली से मिस्टर मोहित शुक्ला ने शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। ये एक्सीडेंट रिसेंटली दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास महिंद्रा XUV 400 और मारुति सुजुकी अर्टिगा के बीच हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक XUV 400 जो एक टेस्टिंग व्हीकल है, वो ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस करते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ी और कुछ दूर जाकर रोड के साइड में खड़े अर्टिगा के बैक साइड में घुस गई। यहाँ पर एग्जैक्टली ड्राइवर का कंट्रोल कैसे खोया वो नहीं पता, लेकिन बताया जा रहा है SUV काफी तेज रफ्तार में चलाई जा रही थी। हो सकता है किसी व्हीकल को लेफ्ट साइड से ओवरटेक करते समय ऐसा हुआ हो, या फिर हो सकता है ड्राइवर का ध्यान कहीं और रहा हो। जो भी हो, टक्कर जबरदस्त था जिसमें दोनों ही गाड़ियां डैमेज हो गई। फोटोज में आप क्लियरली देख सकते हैं अर्टिगा का पीछे वाला राइट साइड कॉर्नर डैमेज हुआ है। इसका बम्पर, टेल लाइट और एक्सल वगैरह टूट गया है। वहीं 400 के भी राइट साइड कॉर्नर में काम भर का नुकसान देखा जा सकता है। इंपैक्ट से इसका भी बोनट, बम्पर, हेडलाइट और व्हील वगैरह डैमेज हुआ है। बाकी कोई और नुकसान नहीं दिखाई पड़ रहा। इसके अलावा दोनों गाड़ियों के पैसेंजर्स भी बिल्कुल सेफ हैं। तो भाई, ऐसा बताया जा रहा है ये एक्सीडेंट अभी रिसेंटली मार्च में ही हुआ है और ये गाड़ी XUV 400 इलेक्ट्रिक है। लेकिन 400 को अनवील हुए और लॉन्च हुए काफी टाइम हो गया है, फिर भी इस SUV में आपको आगे और पीछे के तरफ कैमोफ्लॉज दिख रहा होगा। अब फिर से कौन सी टेस्टिंग कर रहे हैं महिंद्रा वाले वो तो नहीं पता। जो भी हो, कंपनी के ड्राइवर्स को आराम से और लिमिटेड स्पीड में गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए, ऐसे तेज रफ्तार में नहीं चलाना चाहिए। इसके अलावा गाड़ी को हमेशा सड़क से थोड़ी दूर पर ही पार्क करें तो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी महिंद्रा वाले इस गाड़ी को क्यों टेस्ट कर रहे हैं और इस SUV को क्रैश टेस्ट में कितने स्टार्स मिल सकते हैं, कमेंट में बताइए। साइड में हो जा, फोटो खींच।